शाह साहब, आप मेहमान खुसूसी हैं। मुझे इत्तला नहीं थी, न कार्ड में मेरा नाम है। 3:30 बजे मुझसे कहा कि आप आ जाएं और ये हलका मेरे गले में डाल दिया। बात यह है कि मुल्क में जम्हूरियत है, उसके बावजूद एक कुर्सी पे मुराद अली शाह बैठे हैं, एक कुर्सी पे सरदार शाह बैठे हैं, अहमद शाह यहाँ बैठे हुए हैं। और फौज के नए सरबरा आसिम मुनीर अहमद शाह नाम, उनका पूरा नाम है आसिम मुनीर अहमद शाह उर्फ हाफिज जी। अहमद शाह ने अभी जिन शहरों के और जिन मुल्कों के नाम लिए हैं जहां उर्दू कॉन्फ्रेंस होगी, वहां उनकी बेगम जाना चाहती हैं। वरना इतनी जल्दी ये प्रोग्राम नहीं बन सकता। उनकी फरमाइश थी, अहमद शाह ने कहा चले उर्दू कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। एक तवील अरसे से शाह साहब यहाँ हैं इस इमारत में। मैंने उनसे कहा शाह साहब अब छड़ी किसी और के हाथ में दे दें, तो कहने लगे आप नाम बताएं मैं दे देता हूँ। मैं नाम नहीं बता सका। जहाँ तक मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक है, ये NED के पढ़े हुए हैं और बाहर भी तालीम हासिल की। NED से पढ़े हुए ये वाहिद इंजीनियर हैं, वाहिद, जो पाकिस्तान में हैं, बाकी सारे अमेरिका में हैं, अमेरिका में हैं या कनाडा में हैं। वहाँ एक किताब छपी, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, तो मैंने कहा भाई मुल्कों मुल्कों की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका आ जाए सब मिल जाएंगे। शाह साहब की बहुत तारीफ लिखी है उसमें कि बे अच्छे, बेतहाशा मेहनती स्टूडेंट, तकरीर अच्छी, डिबेटर, मेहनत करने वाले, अच्छे नंबर उसे पास हुए। उन तमाम बातों के बावजूद इतने सालों से चीफ मिनिस्टर हैं, इनको बहुत आगे जाना चाहिए। और मैं आपसे एक बात कह दूं जो शायद अहमद शाह साहब ने ना कही हो, ये मुराद अली शाह साहब की मोहब्बत है इस इमारत से जिसमें आप रोज़ाना तरक्की देख रहे हैं। अगर मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर नहीं हो तो ये आपको इमारत वैसी ही नज़र आती, ऐसी नहीं।